आज हम वापस एक बार लाइव आ चुके हैं। हमारा ये जो डेली लाइव सेशन सीरीज है वो स्टार्ट हो चुका है, और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आज का टॉपिक है एसएटी एग्जाम्स, तो उसका ओवरव्यू देने आ रहा है आपको मिस इंद्राणी बैनर्जी। वो एकेडमिक प्रोडक्ट हेड है कानन इंटरनेशनल में, और वो बताएंगे आपको आज पूरे सेट का राज कि सेट एग्जाम्स क्या होती है, उसमें आपको अगर आगे बढ़ना है, अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो उसकी टिप्स देंगे और पूरा उसका ओवरव्यू बताएंगे कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो सेट एग्जाम्स देने से डरते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। मैम हमारे साथ है और आज हम उनसे बहुत सारी बातें जानेंगे, फैक्ट्स जानेंगे सेट एग्जाम का। तो मैम वेलकम इन आवर लाइव शो। सो स्टूडेंट्स को बताया कि सेट का एग्जाम है उसकी पूरी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए और उसके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वार्म वेलकम टू एवरीवन, माय नेम इज इंद्राणी बैनर्जी and I'm the academic product head for GRE, GMAT, SAT and TOEFL for Kannan International. So aaj baat hogi of course jo students hai unse and of course unki parents se, even friends se. So first of all, what is SAT? Aap log hamesha jab students aate hain to ye poochte hain ki you know SAT is only for Indian students. Sabse pehli baat to ye hai ma'am ki SAT is a standardized global exam jo US, Canada एंड इवन इंडिया में भी शुरू हुआ है। अगर आप पढ़ाई के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो यू आर रिक्वायर्ड टू टेक द एग्जामिनेशन। एसएटी का फुल फॉर्म है स्कॉलरस्टिक असेसमेंट टेस्टिंग। ये जानकारी मैं आप लोगों को इसलिए दे रही हूँ कि कई बार क्या होता है, एक और भी दूसरे टाइप की एग्जाम है जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग, उसका इनिशियल है ACT। तो स्टूडेंट्स कई बार आ जाते हैं SAT, ACT, SAT, तो ये सुनने में कई बार प्रॉब्लम हो जाता है या स्टूडेंट्स टू गेट कंफ्यूज। सो प्लीज रिमेंबर हियर दिस सेशन इज फॉर SAT एंड नॉट ACT व्हिच इज अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग। सो नाउ लेट्स ACT एक्चुअली है क्या। ACT एक एग्जांपल लिया जाए, अगर देखा जाए कि ये कानन एक हाई स्कूल है, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको जाना है USA पढ़ने के लिए अपनी अंडरग्रेड के लिए, तो कानन तक अपने स्कूल से अपने यूनिवर्सिटी को दूरी को मिटाने के लिए आपको एक ब्रिज क्रॉस करना है और वो ब्रिज है SAT। समझ में आ गया। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, दिस इज एक्चुअली यूनिवर्सल फॉर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर US एज वेल एज कैनेडियन स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैठे हो चंडीगढ़ में, यू आर फ्रॉम कोलकाता, यू आर फ्रॉम दिल्ली एंड यू आर टेकिंग दिस एग्जामिनेशन एंड समबडी इज ऑल्सो बेस्ड इन टेक्सास इन न्यूयॉर्क सिटी in Manitoba, the evaluation parameters are the same, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको कोई difference scoring मिलेगा या किसी और को मिलेगा, it's absolutely not like that. अभी बात करते हैं कि SAT में क्या क्या testing होता है। SAT का till June 2021 में एक बहुत major testing हुआ, एक optional essay हुआ करता था, that has been eliminated. SAT is organized by a group called College Board and ETS, और हमारे जितने भी faculties हैं, we are all certified through ETS. तो ये एकदम अपने दिमाग में रखें कि when you are coming to us, you are not only getting the excellence of in faculties or as well as course curriculum, but also we make sure that we are totally equipped with the modern technologies as well as the pedagogies, which is ETS से हमने पूरी ट्रेनिंग लेकर रखी है। Now let's talk about ACT में क्या क्या टेस्ट होते हैं, मैथ्स और इंग्लिश। इंग्लिश में क्या आता है, रीडिंग, राइटिंग एंड लैंग्वेज, और मैथ्स में दो सेक्शन है, विद कैलकुलेटर और विदाउट कैलकुलेटर। नाउ अभी आप लोग ये सोचेंगे मैम मैथ्स कितना डिफिकल्ट है, इंग्लिश कितना डिफिकल्ट है। द प्लस पॉइंट इन ACT इज के आप लोग ऑलरेडी पढ़ाई में हो, जो बच्चे ACT ले रहे हैं दे इधर फ्रॉम 9th to 12th के अंदर ही है, क्योंकि SAT इज फॉर कौन बच्चे रहते हैं जिनको अंडरग्रेड के लिए कनाडा या US जाते हैं जाना चाहिए। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि बीच में क्या हुआ था, ड्यू टू पैंडेमिक एंड ऑल दोस थिंग्स SAT वाज वेव्ड ऑफ, ठीक है। SAT इज अ वेरी इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, सो प्लीज डू नॉट ट्राई टू अवॉइड दैट। अगर आपको किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना है, एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी में जाना है, What does it mean? It means कि आप यूनिवर्सिटी में जाओ और यूनिवर्सिटी पूरी लाइसेंस्ड हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप गए वहां पे 2-3 महीने बाद पता नहीं बिल्डिंग इज यू नो
खाली हो गया, पता नहीं क्या है. ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं एक्चुअली मैम, और ये हम लोगों का ये तजुर्बा है. तो इसी के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि डू द राइट थिंग, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. एसीटी में जो कुछ भी आपने सीखा है इंग्लिश में टिल आपकी हाई स्कूल तक, ठीक है, चाहे वो ग्रामर हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, मैथ्स हो, उसी के ऊपर टेस्टिंग होता है. बट दे विल नॉट आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक डिफाइन अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेल मी व्हाट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर. वो तो आपके स्मार्ट टीचर्स जो है कॉलेज में, वो तो आपको स्कूल में वो तो आपको पढ़ा भी रहे हैं, राइट. तो एसीटी क्या करते हैं कि एसीटी विल टेक द एप्लीकेशन, ओके, सो दे विल पुट इट लाइक दैट कि ऐसे आपको अप्लाई करना है. Okay, so ACT is most application based. So अभी आपको इसका सिर्फ ख्याल रखना है. Now, why I am saying this is a lucrative time to watch for the exam? Because 11th or 12th, या अगर आप 9th में भी लेना चाहो, just to see where you stand, you know, आप already पढ़ाई में हो, तो ऊपर से आपको extra pressure नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? ACT का जो English section है, उसका जो reading section है, that is 65 minutes में आपको 52 question answers करना पड़ता है. So the majority time it will go to what? It will go to time management. Hardly you are getting say a minute and a half for each question. 35 minutes, 44 questions in the writing and language part. Writing and language part mein you will have to act as an editor. For example, agar main aapko ek essay de do aur kahun ki isko dekho to theek hai ki nahi. So just, you know, are you looking at it? Aisa ye log kyun karte hain ki agar aap samjhe ki aap undergrad karne chale gaye, यूनिवर्सिटीज में क्या होगा, आपके कोलीग्स रहेंगे, आपके क्लासमेट्स रहेंगे, ठीक है ना, प्रोफेसर्स रहेंगे. एग्जैक्टली यू विल हैव टू कोऑर्डिनेट विद देम एंड यू हैव टू प्रूव देम, यू नो व्हाट, आई एम रेडी फॉर माय अंडरग्रेड स्टडी इन अ कंट्री व्हिच इज नॉट इंडिया, मे बी इन कनाडा और यूएस, ठीक है. मैथ्स का जो सेक्शन है, एक होता है विद कैलकुलेटर, एक होता है विदाउट कैलकुलेटर. जो हमारे इंडियन बच्चे हैं इनके लिए बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज अभी तक टिल 12th तक की जो पढ़ाई है उसमें तो आई डोंट थिंक कैलकुलेटर इज अलाउड मैथ्स में, ठीक है. दैट आर दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज एसएटी इज वैलिड फॉर 5 years. इसका मतलब क्या होता है, समझिए कि आज आपने एसएटी लिया, 2 महीने बाद फिर से आपने एसएटी लिया, जो आपका स्कोर होगा, पहले एसएटी और कॉलेज बोर्ड यूज टू एवरेज इट, उसका एवरेज बना के यूनिवर्सिटीज को भेज देते थे, बट दे डोंट डू इट नाउ. व्हाट दे डू इज दे सेंड योर बेस्ट स्कोर एंड यू कैन चूज दैट. आप ये निर्णय लोगे कि मुझे ये स्कोर भेजना है. एसएटी का फुल स्कोर है 1600, 800 इन मैथ्स, 800 इन वर्बल एबिलिटी. तो एसएटी का जो सेक्शन है, एक्चुअली फुल स्कोर जिसे हम बोलते हैं 1600 और 1600 और परफेक्ट स्कोर, दैट कम्स फ्रॉम 3 countries, India, China, and Turkey. And the way we prepare in Kanan, we prepare from the basics to the advanced types. Okay. So apart from the sectional tests and mock tests, ETS mein exactly jaise testing aata hai, waisi hum log karate hain. So 3 mahina, 4 mahina, whatever you take, we will prepare you in such a way so that you can score above 1200 no matter what. Baki to aapko thoda effort apne taraf se dena hi. अभी एसएटी का जो रीडिंग है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है. हाउ कम? इट इज कॉल्ड EBRW, एविडेंस बेस्ड रीडिंग एंड राइटिंग. इसका मतलब क्या है एविडेंस बेस्ड रीडिंग एंड राइटिंग, कि आपको हमेशा यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिकल फ्लो ऑफ द पैसेज, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, क्या फैक्ट जाहिर किया जा रहा है. Anything above 1200 is considered a good score. Now define a good score. That's a very good question. Kaun si universities actually they will be requiring anything above 1000 or 900. Okay. So agar aap dekhoge, you need to go to a university. Let's say you're choosing State University of New York. Okay. And you want to go there for full scholarship. So anything above 1200 will not only be considered as a good score, but also be eligible for scholarship. और इससे एक और भी मुद्दा जो डिजर्व करता है मेंशन वो ये है कि ACT, if it's a good college, by that I mean accredited college, अगर आपने ACT नहीं दिया है तो वो आपके एप्लीकेशन को छुएंगे नहीं, ठीक है.
अप्रूवल लेटर देखिए दो टाइप्स के होते हैं, एक तो या तो आपके कनाडा या यूएस जहां से ही आप पढ़े I-20 अप्रूवल लेटर आ जाता है यूनिवर्सिटी के, द स्टूडेंट इज सिलेक्टेड। दूसरा होता है जब आप वीसा लेने जाते हो, ठीक है ना, आपको अपना पैकेज तैयार करना है कि आई एम सीरियस अबाउट माय स्टडीज, हियर इज माय एसीटी, एसीटी के साथ आईएलटीएस और टॉफल, इफ रिक्वायर्ड पीटीई, दैट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल क्वेश्चंस और द क्वेरीज, ठीक है। अभी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एसीटी का जो राइटिंग है दैट इज ऑल्सो अबाउट स्टाइल, इसको हम लोग बोलते हैं रेटोरिक स्टाइल। व्हाट इज रेटोरिक स्टाइल? रेटोरिक स्टाइल इज व्हेन द वे वी स्पीक, द वे वी राइट टू इन्फ्लुएंस अदर्स। आप किसी भी यू नो न्यूज चैनल को देख लीजिए, कैसे वो लोग न्यूज प्रेजेंट करते हैं, न्यूज मीडिया को देख लीजिए कैसे वो लोग लिखते हैं, कैची आई फ्रेजेस। बट ऑफकोर्स एसएटी में ऐसा तो नहीं होगा, बट जैसे आप पढ़े किसी पैसेज को या आपको पढ़ के ये पता चल जाएगा कि ये एक पॉजिटिव पैसेज है, इसमें दो व्यूज डिस्कस की गई है, मे बी देर नॉट देर डिबेटिंग, ठीक है। तो बहुत साल पहले, बहुत हजारों साल पहले, ग्रीक पॉलीमैथ एंड ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने एक्चुअली इनके बारे में बात की, और उन्होंने कहा कि एक ट्राइंगल जैसा होता है, उसको कहते हैं रेटोरिक ट्राइंगल, और उसके थ्री एस्पेक्ट्स हैं, इथोस, पैथोस एंड लोगोस। इथोस का मतलब होता है व्हेन यू रीड द पैसेज एंड यू कैन अंडरस्टैंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑथर, जिसने लिखा है, क्रेडिबिलिटी मतलब व्हाट इज द एविडेंस दैट ही इज प्रोवाइडिंग। ऐसे ही तो हवा में नहीं फेंकता होगा ना, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। लोगोस, लॉजिक, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, ठीक है। इथोस एंड पैथोस, पैथोस इज द सेंटिमेंट, द सिंपैथी। कोई भी पैसेज आप पढ़ोगे आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा कि ये इसमें कहानी कहा गया है, ठीक है। आप पढ़ोगे आपको दिखेगा कि अच्छा ये दोनों ओपिनियन है जिसके बारे में बात किया जाता है। एक पढ़ोगे पढ़ के आपको थोड़ा शायद शक हो किसी चीज में। तो ये जो दिस इवोक्शन, दिस काइंड ऑफ एंटाइसमेंट ऑफ डिफरेंट इमोशन, ये एरिस्टोटल ने पहली बार बात की। और जितने भी आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं आपको पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, कोई एक ऐसा ट्राइंगल जिसका हर साइड इक्वल हो, ठीक है। सिमिलरली इथोस, पैथोस एंड लोगोस मस्ट बी इक्वल और मस्ट बी बैलेंस्ड। तो ये मैंने आपको बताया और वैसे भी आपको ये प्रेजेंट करना है। द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ एसएटी दैट यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज इज वॉट? टाइम मैनेजमेंट। आजकल के जितने भी बच्चे और इनके पेरेंट्स अगर आप हो, ठीक है ना, आप पूछोगे कि मैम एसएटी इंडिया में भी लिया जा रहा है, यूएस में भी लिया जा रहा है, तो फिर हम कौन सा चूज करें? वो आप पर डिपेंड करेगा। पर देखिए, अगर आप अच्छा एसएटी स्कोर ला रहे हो, यूएस में एंड कनाडा में अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है 4 इयर्स का, ठीक है। 4 इयर्स का आप खर्चा सोचो, इवन इफ यू गेट 50% स्कॉलरशिप, द लीस्ट यू कैन गेट, ठीक है, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी दैट यू आर सेविंग। सो यू नीड टू थिंक पॉजिटिवली। और दूसरी बात एक होता है ऑनर का, यू नो सम्मान का। अगर आप फुल स्कॉलरशिप और स्कॉलर व्हाटएवर स्कॉलरशिप यू गेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी अगर आप जा रहे हो, तो वो दिस इज अ मैटर ऑफ एक्चुअली अ लॉट ऑफ प्राइड, राइट? यू बिकम अ स्कॉलर। 2 साल के बाद जब आप अपना स्टडीज चूज करोगे, स्पेशलाइजेशन, देयर यू विल एक्चुअली गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द प्रोफेसर and they will actually choose you for your masters as well. कितने students होते हैं कि जिन्होंने undergrad किया, उसके बाद उन्होंने directly they decided कि you know what, let me go to the masters and they have built up the rapport with the professor, the scholarship follows. So what I'm trying to say कि get your foundation clear so that you can answer all the questions and you know proceed to a smooth journey towards US or Canada. मैं तो चाहूँगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाए, लाइक यॉर्क यूनिवर्सिटी, लाइक स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, सनी, यू नो, और अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स के साथ जाए। यू कैन टेक एसएटी एज मेनी टाइम्स यू वांट इन 5 इयर्स, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, विद इन अ गैप ऑफ 2 मंथ्स, ओके, एंड यू कैन चूज योर ओन एसएटी स्कोर व्हिच वन टू सेंड। पहले क्या होता था, जैसे मैंने बताया कि यू नो हम लोग का क्या होता था कि एसएटी का फॉर एग्जांपल मैंने स्कोर किया 900 इस महीने, फिर से मैंने लिया, दोबारा मैंने स्कोर किया 1100, टोटल हो गया कितना 2000,
ETS used to average it and send it to the different universities. Now you can choose that. ठीक है, ACT का अभी फिलहाल इंडिया में प्राइस है, आई थिंक अराउंड, मतलब फीस जो है आई थिंक अराउंड $107, विच इज अराउंड 7,500-8,000 रुपए, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द करेंसी, ऐसा कुछ है. और एक बात हमेशा याद रखना, ACT देने के टाइम पे आप 4 यूनिवर्सिटीज को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्कोर्स भेज सकते हो ऑफिशियली. ऑफिशियली आपको स्कोर्स वैसे भी भेजना है, पर जब एप्लीकेशन इज डिफरेंट, यू नॉट अप्लाइंग फॉर द यूनिवर्सिटी, यू आर जस्ट सेंडिंग द स्कोर, कीप दैट इन माइंड प्लीज. ओके, तब को दोबारा ये स्कोर ना सेंड करना पड़े. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैंने ऐसा सोचा कि मैं 2 यूनिवर्सिटी कैनेडा से ट्राई करूंगी, 2 यूनिवर्सिटी यूएस में, तो मैं पूरा स्कोर 2-2 करके भेज दूंगी, बाकी एप्लीकेशन मुझे चाहे कहीं से. अभी आते हैं एसएटी ग्रामर की तरफ. बहुत सारे चीजें टेस्ट की जाती है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब टेंसेस, ट्रांजिशन वर्ड, पैरेललिज्म. अभी मैं इतना सब कुछ बोल रही हूँ तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है ना. इट इज जस्ट, अगर आप कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हो, हम लोग इवन एज एडुकेटर्स, हाउ मेनी टाइम्स डू वी रिमेंबर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ग्रामर, बात करते वक्त क्या हम लोग इतना याद रखते हैं. तो वही जब आपको पढ़ना है एकदम स्लाइड में, आपको देख के करना है कि कैसे कैसे किस तरीके से उसको सॉल्व करना है. एसएटी बोथ, एसएटी का रीडिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड एसएटी ग्लोबल क्वेश्चंस इन द रीडिंग सेक्शन. व्हाट आर द ग्लोबल क्वेश्चन? हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ. ठीक है, इसको आपको पढ़ना है. नाउ हाउ इज इट इंपॉर्टेंट? फॉर एग्जाम्पल, मैंने पढ़ा उसके चीफ कैरेक्टर्स कौन है, हु, कहाँ पे आधारित है, कहीं इज इट कहाँ पे मेंशन किया गया है, इज इट इन जापान, इंडिया, हाउ, कुछ प्रोसीडियर्स इन्फॉर्म किया गया है, किस तरीके से, व्हाई, मेन रीजन क्या है. अगर आप इनको आइडेंटिफाई कर लोगे तो समरी ऑलरेडी आपके पास हो जाएगा. एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो हम सिखाते हैं एसीटी वर्बल सेक्शन में, दैट इज एक्टिव रीडिंग. एक्टिव रीडिंग क्या होता है, जैसे कि अगर आप किसी कहानी पढ़ रहे हो तो दैट इज इन योर लेजर टाइम, दैट इज कॉल्ड पैसिव रीडिंग. आप आराम से पढ़ सकते हो, बट एक घंटे में आपको 52 क्वेश्चंस आंसर्स करने हैं, 3 पैसेजेस. और पैसेजेस क्या रहता है, फर्स्ट पैसेज इजी, सेकंड पैसेज इंटरमीडिएट, थर्ड पैसेज डिफिकल्ट. आई विल नॉट यूज द टर्म डिफिकल्ट, आई विल यूज द टर्म ट्रिकी. ट्रिकी क्यों? क्योंकि टाइम कम होता है. और हर पैसेज में, इमेजिन इफ देयर टोटल 52 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग अ डेटा इंटरप्रिटेशन. ठीक है, सो फार आर वी डूइंग गुड एवरीवन? तो एक्टिव रीडिंग का 2 स्ट्रेटजीज होता है. एक होता है स्किमिंग एंड स्कैनिंग. व्हाट इज स्किमिंग एंड स्कैनिंग? टू रैपिडली रीड एंड टू पॉइंट द कीवर्ड्स. तो जो आपको एसएटी पेंसिल एंड पेपर और पेन और पेपर बेस्ड एग्जाम आपको जो दिया जाएगा, कैसे उस पर एनोटेशंस बनाने हैं, कैसे नोटेशंस बनाने हैं, ये आपको सीखना है. एंड दैट वी विल डू इट. ठीक है, एसएटी का एक और एस्पेक्ट होता है पैसेजेस का, उसको कहते हैं पेयर्ड पैसेजेस. 2 पैसेजेस लिंक टूगेदर एंड प्रेजेंटेड एज 1. Now you must be thinking, ma'am, आपने कहा था 3 पैसेज, तो अभी तो ये 5 पैसेजेस हो गए. हाँ हो गए, but that would be considered as 1. How come? Let's say एक पैसेज में, पैसेज 1 will talk about, let's say a political debate. ठीक है? तो एक पे अगर दिया गया कि एक पॉलिटिशियन ने क्या कहा है, और दूसरे में कहा गया है कि दूसरे पॉलिटिशियन ने उनके अगेंस्ट में क्या कहा है, तो ओनली थिंग इज के आप समराइज कर पा रहे हो कि नहीं. तो हम लोग क्या सिखाते हैं कि समरी एक साथ पढ़ के आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको एक ही बार पढ़ना है. पर व्हाट वी डू, जो हमारे क्लासेस होते हैं, हम लोगों ने 6 दिन वी आर गिविंग 1 आवर डेली. ओके, सो ऑन द अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज कॉन्टेक्सुअल वोकैबुलरी. व्हाट इज कॉन्टेक्सुअल वोकैबुलरी? मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं. इफ आई से रुत्वी इज वर्किंग हार्ड फॉर हर एसएटी, रुत्वी इज नॉट, or Ruthvi is hardly working for her SAT. So let me repeat that. Ruthvi is working hard for her SAT. Ruthvi is hardly working for her SAT. पहले sentence में आपको ये feeling आता है कि Ruthvi अपने SAT exam के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रही है, और दूसरी कुछ भी नहीं कर रही है. ठीक है, but देखिए, the word hard has been used in 2 sentences differently in such a way that the entire context has been changed. है ना? तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि we devote in Kannan International 1 day only for contextual vocabulary. पहले क्या होता था, एक sentence equivalence का question आता था.
अभी उसको चेंज करके डायरेक्टली एक कॉन्टेक्स्टुअल वोकैबुलरी कर दिया गया है. लेट्स से एसएटी का सबसे बढ़िया एग्जांपल यह है कि एसएटी इज वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली. मतलब आपको अच्छा स्कोर करने के लिए वॉट एवर यू नीड्स एसएटी विल गिव इट टू यू. इवन जो पैसेजेस है उसमें भी लाइंस नंबर्स मेंशन रहते हैं ताकि आपको ढूंढना ना पड़े कि कौन से लाइन पे क्या है. और वो क्वेश्चन में लिखा भी रहेगा कि फॉर एग्जांपल इन लाइन नंबर 1 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेथोरा. आप जैसे जाओगे आपने पढ़ा शायद उसमें लिखा है देयर वेयर प्लेथोरा ऑफ ऑप्शन फॉर जॉन टू चूज फ्रॉम. प्लेथोरा का मतलब होता है प्लेंटी. ठीक है. सो दीज आर द काइंड ऑफ एग्जांपल. मेरे लिए ये बोलना शायद बहुत इजी है बट यकीन मानिए कि थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा प्रैक्टिस एनीवन कैन स्कोर अबव 1200. तो हम लोग कैसे डिजाइन किए हैं कोर्स को. मंडे इज फॉर वोकैबुलरी. ठीक है. ट्यूजडे इज फॉर एक्टिव रीडिंग एंड समरी राइटिंग. वी एक्चुअली टीच यू हाउ टू एक्टिवली रीड एंड समराइज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एसीटी का जो एक्टिव रीडिंग सेक्शन है ना उसे आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ रीडिंग तक ही लिमिटेड है. राइटिंग में भी पैसेजेस आते हैं जो आपको पढ़ के वहां से आंसर देना है. ठीक है. तो दैट इज वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. तो उसको हमको करना ही है. वेडनेसडे या डे 3 में हम लोग पढ़ाते हैं ग्रामर इंट्रोडक्शन एंड देन डायरेक्टली हाउ इट इज अप्लाइड. ठीक है. नंबर 4 उसमें करते हैं हम लोग रीडिंग प्रैक्टिस व्हिच इज डायरेक्टली आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट वी डू राइटिंग प्रैक्टिस एंड सैटरडेज आर फॉर डाउट सॉल्यूशन. Khan International is providing you with books and everything. But apart from that, the PowerPoints, the PPT, the PDFs we provide, that is more than enough. Both for maths, both for English. Maths mein algebra, advanced algebra, you know, mathematics, jo kuch bhi aap logon ne kiya hai, class 10 tak hi hai. Aisa kuch bahut kuch unhone nahi kiya hai jo aapko karna hai. रीडिंग में डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आएंगे फॉर एग्जांपल फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आर ऑलवेज यूनिवर्सल क्वेश्चन. मतलब व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द पैसेज. तो ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या पूछ रहा है आपसे कि आपने पैसेज ठीक से पढ़ा है कि नहीं. हैव यू समराइज्ड इट. अगर आपको पता नहीं है कि क्या समरी है तो आप क्या बोलोगे. तो एट द सेम टाइम मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन रहेंगे. ठीक है. और एक इंपॉर्टेंट चीज है मैथ्स में मल्टीपल चॉइसेस भी रहेंगे और ग्रेडिएंट्स भी रहेंगे. ग्रेडिएंट मतलब एक ब्लैंक रहेगा आपको करना है. हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को एसएटी की शुरुआत ही हुई एक्चुअली कॉलेज बोर्ड यूएस से. तो ऑफ कोर्स इट इज मच मोर प्रोन टुवर्ड्स द यूएस करिकुलम. पर क्योंकि हम लोग इतना यू नो आवर करिकुलम इज मोर विविड मोर ग्रुएलिंग कंपेयर टू यूएस. तो हम लोग के लिए ऑनेस्टली ये कोई बड़ी बात नहीं है. एंड ऑनेस्टली अगर आप अपना ही भी देखें आप लोग बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो यू नो सो व्हाट इज द बिग डील. आई मीन बोर्ड एग्जाम के सामने तो एसएटी कुछ भी नहीं है. तो दैट इज वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. अनदर इम्पोर्टेंट रीजन इज वर्बल में एक आता है डेटा इंटरप्रिटेशन. अभी आप पूछोगे कि मैम डेटा इंटरप्रिटेशन तो इज अ क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू मैथ्स तो फिर ये वर्बल में कैसे आ गया. वर्बल में इट्स ऑल्सो अबाउट एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन. राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक पाई चार्ट दिया जाए अगर आपको एक बार डायग्राम दिया जाए. ठीक है. अब बस उसको देख के बता पाओ कि इसमें क्या बोला जा रहा है. दे विल नॉट आस्क यू टू कंप्यूट एनीथिंग कि आप मैथ्स करो इसमें सॉल्व करो. जस्ट पूछ के बताओ. ठीक है. तो एक इम्पॉर्टेंट चीज यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट एसीटी इज जो बात मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि डोंट लेट द यूनिवर्सिटी फील कि वो लोग आपको लेके बहुत मेहरबानी कर रही है. ठीक है. मेक देम गेट देम दिस एटीट्यूड दैट यू नो यू डिजर्व टू बी देयर. आपके 10th आपके 12th एसएटी प्लस आईएलटीएस और एसएटी प्लस टॉफल व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड बाय द यूनिवर्सिटी. एक मैं आप लोगों को ये बात जरूर बताऊंगी कि प्लीज डोंट टेक आईएलटीएस और टॉफल और एसएटी जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड इज टेकिंग दैट. ओके. इसके पीछे एक रीजन है. एसएटी इज जनरल. एसएटी का एक सब्जेक्ट टेस्ट होता था दैट हैज बीन डिसकंटिन्यूड. SAT का अभी एक SAT is general now. ACT American College Testing. If you are going for a medical course and if it requires ACT, you must take that. ठीक है. So proper counseling की भी जरूरत होती है. And we have a dedicated team of counselors. So please come, visit us and chalk out what you need to do. Okay, that is a very do not take decision of
यू नो एब्रप्टली कोई डिसीजन मत लीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ आइए एंड देखिए ये कानन विल एक्चुअली क्रिएट द एंटायर रोड मैप फॉर यू, ठीक है ना. एंड जैसा हम लोग मैं बता रही थी माय लास्ट वेबिनार पे कि अभिमन्यु जैसे चक्रव्यूह में प्रवेश करता है एंड ही इज गेट्स लॉस्ट, बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है बिकॉज वी हैव क्रिएटेड दिस स्पाइडर वेव इन सच अ वे कि आप यूएस जाने तक आपको सहायता मिले. एसएटी इज जस्ट वन ऑफ दैम. आप जो है लुक एट द टॉप 200 यूनिवर्सिटीज इन यूएस एंड कैनेडा, ठीक है. मेरी ये निवेदन रहेगी आप सबसे कि प्लीज लुक फॉर द यूनिवर्सिटी, ठीक है, लुक फॉर योर बेटर प्रोस्पेक्ट. बहुत सारे लोग हैं जिसको सिर्फ वो यू नो अब्रॉड जाना है एंड दे डू दैट एंड दे एंड अप इन अ वेरी कंफ्यूज सिचुएशन. मैंने मेरी खुद की पढ़ाई यूएसए की है, मैंने वहां पे काम किया है एंड मैंने पढ़ाया भी है और मैं अभी भी इसी काम में जुटी हुई हूँ, ठीक है. सो माई इंफॉर्मेशन माई आइडिया इज टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट इंफॉर्मेशन. एसएटी का फीस हो गया. एसएटी के लिए सबसे बड़ी बात जो है एसएटी एवरी 2 months होता है, ठीक है. जैसे कि अभी दिसंबर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, उसके बाद मई, 1 month अंतर रख के ऐसा होता है. आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट देख लीजिए बिकॉज यू विल बी अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, राइट. तो उसके हिसाब से आपको अपना डेट बुक करना है. द परफेक्ट टाइम टू गिव एसएटी इज 11th. व्हाई? क्योंकि आपका एक जो एलिमेंटरी 10th ऑलरेडी आपका हो चुका है, ठीक है, और आपके पास वो रहेगा भी व्हाटएवर स्कोर वगैरह जो कुछ भी है, और आपके पास प्रेशर कब रहेगा. अगर आप 12th में आ जाते हो तो कितने सारे कॉम्पिटेटिव कोर्सेज आप लोग लेते हो एक साथ, है ना, जॉइंट एंट्रेंस, आईआईटी, व्हाटएवर यू से, और उसके बाद आपको जाना है इवैल्यूएशन, हाँ, देन कॉलेज एडमिशन, एवरीथिंग. और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप चॉक आउट कर लोगे 11th में आपका एसएटी आपका हो गया, अगर आपने सोचा कि मैम ये थोड़ा कम आया है, फाइन, यू कैन डू इट अगेन आफ्टर 2-3 months. पर अगर 12th में करोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम फॉल सेमेस्टर व्हिच इज इन द बिगिनिंग फ्रॉम अगस्त टू सितंबर, उसमें इनटेक होता है बच्चों का यूएस एंड कनाडा, है ना. तो आप बताओ क्या आप लास्ट में एकदम हड़बड़ी करना चाहोगे, और हर जगह पे हर यूनिवर्सिटी में आपको ऑफिशियल स्कोर भेजना होता ही है, ठीक है. सो बी एब्सोल्युटली रेडी फॉर योर एसएटी. तो अभी अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नाउ दैट यूएस में भी विद अंडर द ट्यूटेलेज ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड कनाडा में भी अंडर द ट्यूटेलेज ऑफ प्रेसिडेंट ट्रूडो, जो यंग अचीवर्स होते हैं जैसे आप लोग, देयर आर सो मेनी एवेन्यूज. द रीजन एंड दैट्स व्हाई आई वांट यू टू विजिट कानन इंटरनेशनल. व्हाई? सिर्फ पढ़ाई या सिर्फ अब्रॉड जाना ही खत्म नहीं, वहां से एक्चुअली शुरुआत होती है. एक रोड मैप बना लीजिए एसएटी एंड देन हाउ. एसएटी के लिए भी आपको क्या लगता है कि आप एसएटी दे दोगे वहां पे खत्म? यू हैव टू गिव अ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट एज वेल. आप देखिए कि कानन में वी प्रोवाइड बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन क्लासेस. अभी पैंडेमिक के टाइम में एज यू कैन सी यू नो आपके स्कूल्स में भी ऑनलाइन क्लासेस होते रहते हैं, राइट. Most of the universities have collaborated with a lot of other coaching centers that are taking online classes. Okay? So, aap mein se kitne log US jana chahte hai? I'd like to see. And how many people would like to go to Canada? Comment section mein likhiye ki kaun kaun log US se jana chahte hai aur kaun Canada jana chahte hai. To uske hisab se ma'am aapko kuch tips batayenge. Kyunki ma'am ko USA ka experience hai, wo wahan pe padh ke aayi hai, reh ke aayi hai. To wo easy rahega. तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए कनाडा, यूएसए, यूके, आप जहां भी जाना चाहते हैं वहां पे. कनाडा सिर्फ कनाडा वाले लोग ही देखते हैं लाइव. ओके, अच्छा, यूएसए. यूएसए मुनाली, व्हाट डू यू लाइक टू स्टडी इन यूएसए? अंडरग्रेड आई मीन व्हाट? हाँ, तो यहाँ पे somebody is actually showing us Canada thing. Yes. But either way, irrespective of US or Canada, please remember that you have to prepare well for your SAT. Australia is also fine.
मैम बहुत सारे मिथ्स होते हैं, जैसे लोग सोचते हैं कि एसएटी बहुत टफ है, या तो फिर मैं मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं हूँ तो मेरा स्कोर नहीं आएगा क्योंकि मैथमेटिक्स मुझे नहीं आता, ऐसे बहुत सारे मिथ्स चलते रहते हैं और लोग भी ऐसी बातें करते रहते हैं। तो शायद इसीलिए एसएटी एग्जाम की इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि एसएटी क्यों देना चाहिए। तो आज का जो आपका सेशन था वो बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज आपने जो दिया है, शेयर किया है, उससे शायद सबको समझ में आया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली एसएटी एग्जाम इज, कि उसमें क्या होता है और कैसे दिया जाता है। और उसमें एक डिफरेंस भी हमने नोटिस किया, जैसे मैंने नोटिस किया सेट की एग्जाम्स की फी है 7000 रुपीज अराउंड, राइट, और अभी आईएलटीएस की फीस हो गई है 14,700 रुपीज, हाँ, तो ये 50% का डिफरेंस आ रहा है पूरा। तो उसके अच्छा अगर आप सेट देते हो, एसएटी एग्जाम देते हो, तो भी आप कनाडा मूव कर सकते हो, यूएसए मूव कर सकते हो, तो आप एक बार ट्राई भी कर सकते हो कि एग्जाम्स क्या होती है। और हमारे पास जो हमारा पोर्टल है उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेटिव, मतलब सारी एग्जाम्स की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप वो डेमो लेना चाहते हो तो भी हम आपको, जो आप लाइव में जुड़े हो तो हम आप सबको एक पोर्टल का डेमो भी देना चाहेंगे। वो डेमो आप अटेंड करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और हमारा पूरा पोर्टल कैसे डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि उनमें ग्रामर भी होता है, स्पीकिंग टेस्ट, जो चार मॉडल टेस्ट है, सारे टेस्ट है, जीआरई के है, एसएटी के है, आईएलटीएस के है, पीटीई के है, ड्यूओलिंगो, बहुत सारी जो भी एग्जाम्स है वो वहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए। तो जो लोग भी लाइव में जुड़े हैं उनके लिए हम एक चांस देना चाहते हैं, उनको एक चांस देना चाहते हैं कि हमारा पोर्टल आपको वन डे एक्सेस करने को मिलेगा डेमो। तो आप जो भी इंटरेस्टेड है वो कमेंट सेक्शन में इंटरेस्टेड लिखिए, और कौन सी एग्जाम की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसका भी मेंशन कर दीजिए, तो वो हम आपको डीएम कर लेंगे वो मैसेज को, और आपको डेमो हम भेज देंगे। और बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन है मैम, तो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं थोड़ा। पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगी कि मुरनाली का, मुरनाली यू हैव सेड यू आर इंटरेस्टेड फॉर एमबीए, सो दिस इज फॉर एसएटी, प्लीज जॉइन इन फॉर द जीमैट सेशन, ओके। सो इफ यू आर गोइंग फॉर एमबीए देन यू रिक्वायर जीमैट। और एक बात मैं बता दूं कि IELTS एंड एसएटी आर कंप्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। IELTS इज फॉर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो आपको लेना ही है, प्लीज उनको वेव ऑफ मत कीजिए, क्योंकि बाद में मैंने, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वहां पर पहुंच जाते हैं IELTS वेव्ड ऑफ देख के, फिर उनको लेना पड़ता है। अंडरग्रेजुएट स्टडीज आर फॉर 4 years, रिमेंबर दैट, ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी यूनिवर्सिटी चूज मत कीजिए जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट के साथ हो चुका है कि दे गो एंड आफ्टर 2 years दे हैव टू टेक IELTS हियर। सो व्हाट्स द रिजल्ट, एसएटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर getting admission into any good universities in US and Canada, Australia. Okay, so now let's start the question and answer. What score is considered as a good score in SAT exam overall? So the overall score, the minimum overall score that is accepted, okay, that is required is 1000 and above, okay? But to qualify for scholarship, 1200 above is required, okay? अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल पे जाओगे, एक बात याद रखना, if the university is saying, let's say overall 1200 score is required, आपको उससे बेहतर परफॉर्म करना है, क्योंकि आपके साथ कितने क्या कहते हैं उसे, how many कितने कितने सारे competitors रहेंगे आपके, ठीक है? Can I get scholarship in Canada after getting good score in SAT? You would be automatically considered for scholarship either in Canada or US, ठीक है? जैसे आप apply करते हो, automatically as per the department they will consider you for that, ठीक है? Next question देखते हैं, how many times can I appear for SAT? There is no limitation के how many times you can apply. 5 साल time है आपके पास, ठीक है? जो valid है SAT का, उसके अंदर how many times would you like to apply or sit for the exam? पर एक बात का ख्याल रखें कि अंतर दिखना चाहिए, इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 900 स्कोर करूं अभी, 3 महीने बाद एग्जाम्पल एग्जाम फिर से लूं 950, 3 महीने बाद फिर से एग्जाम्पल लूं 1000, तो जो एग्जामिनर रहेंगे या जो एडमिशन कमेटी के मेंबर्स रहेंगे, वो लोग सोचेंगे कि ये मजाक कर रहे हैं एसएटी के साथ। पर अगर आप उसको यू नो एटलीस्ट 200-300 का डिफरेंस पड़ेगा, then they will say that this person is serious, ठीक है? तो आपके जो best score है वो आप ही भेजोगे, but at the same time you must show that you are serious,
एंड यू आर एब्सोल्युटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट. तो जो आप पहली दफा में नहीं कर पाए वो आपने सेकंड में कर दिया. Mayur Nakum is asking if I want to apply for September 2022 intake, then when should I appear at last for better college? September 2022 is not far away. Okay, so you need to get everything wrapped up by March 2022. Latest by March 2022, be it for Canada or be it for USA. So I would suggest please visit Karan as soon as possible. Enroll for our classes and you don't have to enroll for our classes. Actually, enroll for a demo session. Uski validity kab tak rehta hai? Demo session ka, I think 24 hours. 24 hours. Thoda dekhiye ki hum log kya kya provide karte hain. Then you know you take the decision yourself. Not only from Karan, just for yourself, for your own good. ठीक है? Because September, December तो हो ही गया. छोड़ दो. January, February, March, April, May, ऐसे ही चला जाएगा. ठीक है ना? So that is another thing. Ish is asking, can you please give one more example for SAT exam questions? Can you be a more specific? What kind of question are you asking for? मैं आपको एक maths का सीधा example देती हूँ. That is very when we are doing a multiple choice question. ठीक है? SAT is very specific. For example, अगर आपको एक right angle draw कर दिया जाए, you remember the small square होता है right angle के time पे, हाँ? अगर वो ना रहे, you cannot assume that it's a right angle. That is an example. ठीक है? एक हो गया. अभी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि 2 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 5 व्हिच वन इज ग्रेटर. आपको ये ग्रिड इन क्वेश्चन आपको लिखना है. तो अभी मैंने क्या कहा कि यू नो इट्स विद कैलकुलेटर विदाउट कैलकुलेटर और वेरी टाइम कंज्यूमिंग, मतलब बहुत हार्डली आपके पास देर मिल जाएगा. तभी आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे 2 × 2 × 2 या 2 × 5 टाइम्स. बेस इज इक्वल है एक्सपोनेंट्स रूल के हिसाब से. 2 और 5 3 or 5, 5 is greater. That is one thing to point at it. ठीक है? So that is how you'd be, आपने जो कुछ भी पढ़ाई किया है अभी तक का, उसी के ऊपर बेस्ड होगा. ठीक है? You will not learn anything out of it. एक सवाल. और रही बात कानन की रेपुटेशन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है. हमारे लोएस्ट गया है इस बार, and I am a very proud faculty to say that, lowest गया है would be 1290. Okay? Full scholarship for Purdue University. 1490 highest full scholarship New York State University. ठीक है? So we do not only provide what we want to do, we want to present the file to the university in such a way so that they find the potential candidate in you. जितने भी बच्चे अभी इंजीनियरिंग मैथ्स ठीक है ना क्या कहते हो उसे मैनेजमेंट के लिए पढ़ाई के लिए जा रहे हो यूएस में, I'm just talking about US right now. The stability of that spectrum is called STEM, S-T-E-M. आपका जैसे पढ़ाई खत्म होता है, आप पहले आपको एक साल का मिलता था OPT, अभी आपको चार साल का, तीन साल का मिलता है, ठीक है? So please utilize the platform that Kanan is giving you, as well as make better decisions. Hey, it's Krish is saying informative session, ma'am. Thank you so much. Rakhi is thumbs up for Thank this. You. Prereksha is asking, saying first preference is Canada then USA. I would request everyone कि अगर मतलब आपके SAT के score के ऊपर जैसे आप भेजोगे ना, see SAT is accepted everywhere, ठीक है ना? कौन सी university, if you choose a university that is number one in Canada and if you choose a university child number 15 US, ठीक है ना? तो you will go to the university and if the university chooses you back, ठीक है? If the Canadian university said, you know what, I'll give you full scholarship, come. Obviously, आपको उधर ही जाना है, ठीक है? So SAT scholastic assessment testing, please prepare well, and you know we are always there for your service. So before we end the session, I would also like to request if you come to Kanan with our dedicated counselors, we not only take care of your SAT and IELTS, but we'll provide the perfect roadmap for you. I'll give an example. We are associated with New York University system. Probably India में हम ही लोग एक है. Now not New York University, New York University system. आपको पता है इसके अंदर कितने colleges आते हैं, कितने universities आते हैं इस system के अंदर? पता है आपको? 64 including Binghamton University, Cornell University, State University of New York, University of Albany, name it. 64 universities. So आइए देखिए what are this you know array of services, educational services we are providing, and we would like to Kanan, as the name suggests, means garden, and we nurture, you know, flower buds like you. So we would definitely like to see you guys blooming with absolute
essence of academic excellence. So before we end, do you have any other question, or Rudvi ma'am, if you'd like to add? Preraksha is saying, I'm interested for SAT. So Prerak, iske liye main aapko batana chahungi, pehle to hum aapko demo link bhej denge, us pe aap dekh lijiye kaisa hai, aur agar aap enroll karna chahte hai to bhi hame DM kar sakte ho, direct message in our social media platforms, Instagram pe kar sakte ho ya Facebook ka, Facebook pe aap message kar sakte ho, aapka naam and aapki contact details zarur share kijiye, taki hum ya hamare expert counselor aapko call karke fir sari details le, kyunki aapka प्रोफाइल हमारे पास होना जरूरी है कि उसके अकॉर्डिंग हम असेसमेंट करें और उसके बाद हम आपको कोर्स सिलेक्शन दे, ऑप्शंस दे कि आपको कौन सी एग्जाम्स देनी चाहिए. एसएटी में आप इंटरेस्टेड है तो ऑफ कोर्स हम आपको उसकी लर्निंग के लिए प्रिपेयर कर लेंगे. मैम हमारे साथ है और फैकल्टीज भी हमारे साथ है, वो लोग आपको प्रिपेयर कर देंगे पूरी तरह से. मैम वन स्टूडेंट इज आस्किंग व्हाट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स डू आई गेट आफ्टर एसएटी. सो एक बात का बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं आपने. मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो कोई भी एकेडमिक करिकुलम आप लोग कर रहे हो, चाहे वो यू नो डिबेट कंपटीशन हो या स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, अगर कोई सर्टिफिकेट है सो प्लीज कीप इट. मोस्टली यू विल गेट अ एकेडमिक स्कॉलरशिप दैट कंसिस्ट ऑफ योर बेसिक हेल्थ केयर, ठीक है, योर एंटायर एक्सपेंसेस फॉर स्टडीज, व्हिच मींस यू हैव टू स्कोर मोर देन 1200, okay, and this is achievable, ठीक है? So that is much more important. और मैं आपको and athletic scholarship, for example, आप अच्छा football खेलते हो, आप अच्छा cricket खेलते हो, आप बोलोगे वहाँ पे कौन cricket खेलेगा, baseball तो खेलता है, ठीक है ना, almost similar, ठीक है? तो जहाँ पे आपकी expertise है, एकदम उसका package कैसे बनाना है, वो we will take care of. And before I end, I would like to say one thing कि आप लोग please Insta में, Facebook में, YouTube में कारण के साथ जुड़े रहिए. क्योंकि एवरी डे 4:15 वी आर कमिंग लाइव विद डिफरेंट सर्विसेज, एकेडमिक एज वेल एज इमिग्रेशन रिलेटेड फ्रॉम कानून. प्रीति मैम आप थोड़ा बोलिए. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि थैंक्स मैम फॉर सच अ वंडरफुल सेशन. गौरव इज सेइंग थैंक यू मैम. सो थैंक यू सो मच टू यू ऑल बिकॉज़ आपने सिंसियरली ये सेशन को अटेंड किया. जो आपकी इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए वो हमने सारी आपको प्रोवाइड की है. इससे भी ज्यादा आप अगर डिटेल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के रिलेटेड, जैसे मैम प्रोटेक्ट हेड है यहाँ पे, तो मतलब वो GRE सेट, GMAT, जो भी एग्जाम के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है आप हमें पूछ सकते हैं, कहीं पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं. पर उसके लिए हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा. तो वो जल्दी से कर दीजिए क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसे सेशंस अरेंज करते हैं ताकि आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए. और हम लोग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करते हैं और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही शेयर करते हैं. बहुत सारी यहाँ पे कंसल्टेंसी है जो फेक इन्फॉर्मेशन भी शेयर करती है और बहुत सारे मिथ्स के साथ लोग फेक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं. तो ऐसे कंसल्टेंसी में से हम बिलीव नहीं करते हैं. हम आपको पूरी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. और हमारा यही मेन एम है कि हम आपको जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो भी हम आपको शेयर करें. तो ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशंस हम आपके लिए यहाँ पे शेयर करते हैं रोज. डेली लाइव सेशन में आना मत भूलिए. 4:15 PM को आपका लॉग इन कर दीजिए आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब को, और हमारी सारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. और हमारी वेबसाइट भी है kanan.co, उस पर जाके भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हमारी जो भी सर्विसेज है आप उस सभी सर्विसेज को देख सकते हैं, अवेल कर सकते हैं. तो कोई भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चंस है, फील फ्री टू आस्क अस, कॉन्टैक्ट अस. और आपको कोई भी क्वेरीज है, हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, हम लोग आपको कभी भी कोई भी टाइम पे हम आपको रिप्लाई देंगे. प्लीज हमें डीएम करना मत भूलिए और डेली सेशंस अटेंड करना मत भूलिए. तो हम आपसे कल मिलेंगे. आई जस्ट वांट टू इंटरप्ट यू मैम, सॉरी. दीपक जी आपने पूछा कि आप बहुत एंड में ऐड हुए हो, व्हाट इंफॉर्मेशन कैन यू गेट. तो आई थिंक आप अगर फिर से इसको प्ले करोगे आपको मिल जाएगा. प्लीज कम टू कानन ऑफिस, ओके. यहाँ पे आप मैसेज कीजिए डायरेक्टली इंस्टाग्राम में या फेसबुक में, जहां से आप ज्वाइन इन है. Our team will coordinate with you, okay, if you're interested for SAT.
यस, हम लोग जो भी लाइव वीडियो करते हैं, लाइव सेशन रखते हैं, उस हमें वो हम पोस्ट भी कर देते हैं, तो किसी का मिस हो गया है या किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो वो फुल वीडियो देख सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। पर उसके लिए अगेन मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको फॉलो करना है, क्योंकि आपको जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो नोटिफिकेशन में आ जाएगी, और हम लोग जब भी लाइव होंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि कानन इंटरनेशनल इज गोइंग लाइव। सो उसके लिए आपको हमारे पेज को फॉलो करना है, तो फॉलो कर दीजिए जल्दी से, और ऐसे ही सेशन हमारे रोज के देखना ना भूले। सो कल हम फिर मिलेंगे 4:15 को अलग टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।